दूसरे लोगों को हील करने के दौरान जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है क्लाइंट्स को, वो किस तरह से क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करें जब वो हीलिंग करा रहे हैं अपनी। जैसे कि एक हीलर के पास आपने नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो दे दिया और फी चार्ज दे दिया। अब वो हीलर आपको ये कह रहा है कि 2 टाइम आपकी हीलिंग होनी है, मॉर्निंग में 1 घंटा और रात में 1 घंटा। वो 1 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा हीलर के द्वारा और क्लाइंट के द्वारा। क्लाइंट का जो कंफर्टेबल टाइम 1 घंटे का होगा, 5 से 6 सुबह या 6 से 7 या 4 से 5, कोई भी 1 घंटे का टाइम आप फिक्स करेंगे, और रात में 9 से 10 या 10 से 11 या 11 से 12। ये 2 टाइम आपकी हीलिंग होने वाली है, एज ए हीलर आपकी हीलिंग होने वाली है। मान लीजिए आप हीलर हैं, आप क्लाइंट हैं, क्लाइंट, और मैं हीलर हूँ, तो मेरी तरह ढेर सारे पूरी दुनिया में हीलर्स हैं, तो मैं तो खैर अपने टीम मेंबर के साथ में हील करता हूँ, कराता हूँ। आप सिंगल हील करते हैं एज ए हीलर या टीम में पूरे एक्सपर्ट के साथ में हील करते हैं, ये आप समझते हैं। तो आपने सेंटर भी खोल रखा है, जैसे हमने एक सेंटर खोल रखा है। अब करना क्या है कि जब क्लाइंट की हीलिंग करनी है तो एज ए हीलर आप उसको इंस्ट्रक्शन बता दें और कंडीशन बता दें। इंस्ट्रक्शन और कंडीशन क्या रहेगा कि जब वो, मान लीजिए कि सुबह 5 से 6 बजे 1 घंटे की हीलिंग करनी है, करानी है, तो वो फिक्स है। अब वो उस टाइम पर लेट जाए, क्लाइंट्स को 5 से 6 बजे लेट जाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ, क्लाइंट हैं आप, हीलिंग करा रहे हैं, आपको डायबिटीज़ है या कैंसर है या स्टोन है या माइग्रेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, फुल बॉडी हमें आपकी हीलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा आपके लिए, क्लाइंट के लिए, कि मैं आपको एक अफर्मेशन रिकॉर्ड करके दूंगा। हेल्थ इशू है तो, हेल्थ इशू है तो आपको मैं एक अफर्मेशन रिकॉर्ड करके दूंगा। क्या अफर्मेशन रिकॉर्ड करके दूंगा, वो इस चार्ट में है, इस चार्ट में हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड क्या है कि मैं आपके लिए जब रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि आप सुनेंगे और आप उसको रिवाइज करेंगे उस 1 घंटे तक, क्या लिखेंगे, मैं हर दिन अपने जरूरी कार्यों को स्वयं करता हूँ, मैं हर समय खुश रहकर कार्य करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से अपने सारे काम करता हूँ, मैं जीवन में अच्छा कर रहा हूँ, मैं हर दिन ताज़ा भोजन करता हूँ, मेरे सारे ऑर्गन्स पूरी तरह स्वस्थ हैं, मेरे सारे सेल्स हेल्दी हैं, मेरे चक्रा एक्टिवेट हैं, मैं खुश रहता हूँ, और मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल है, और कैंसर जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे बॉडी में कहीं भी स्टोन है वो अब रिमूव हो गई है, मैं खुश हूँ, अपना काम स्वयं कर रहा हूँ, मैं समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, इस तरह से बहुत ढेर सारे अफर्मेशन हैं। तो मैं करके आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके भेजूँगा, और वो अफर्मेशन 1 घंटे तक आपको बोलना है, सुनना है और बोलना है फ़ोन में लगाकर हेडफोन से, और उसी टाइम पर मैं आपको हीलिंग करूँगा। तो मैं जब हीलिंग करूँगा तो क्या हेल्थ के लिए बोलूँगा, तुम सुखी हो, तुम स्वस्थ हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो, तुम प्रेम से भरपूर हो, तुम आनंद से भरपूर हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम निरोग हो, तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम मानसिक शारीरिक रूप से तनाव मुक्त हो, इस तरह के ढेर सारे अफर्मेशन मैं आपको अफर्मेशन दूंगा हीलिंग के टाइम पर। और जब मैं हीलिंग करूंगा तो किस तरह से हीलिंग करूंगा, ये जो चार्ट है, देखिए चार्ट, यहाँ देखिए चार्ट पे, देखिए इस चार्ट की एक वीडियो और बनी हुई है, वो वीडियो पूरी फुल वीडियो उसकी, उसके बारे में अगर आप कहेंगे एज ए हीलर तो हम आपको ये वीडियो भेज देंगे इंडिविजुअल, क्योंकि उसको यूट्यूब पर नहीं डाला गया है, ये वीडियो यूट्यूब पर डाली जाएगी, ठीक है। और ये जो चार्ट से रिलेटेड वीडियो बनी है उस पर वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, जब आप कहेंगे, फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तब आपको ये पूरा चार्ट सिस्टम बताया जाएगा, उसकी वीडियो भेजी जाएगी, तब आपको ये पूरा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो इस तरह से जब आप पूरा कॉम्बिनेशन करेंगे एज ए हीलर और क्लाइंट के साथ हील करेंगे, और अब आपको क्लाइंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि जहाँ पर वो जिस कमरे में लेटा हुआ है हीलिंग करा रहा है उस 1 घंटे तक, उस 1 घंटे के दौरान उसके आसपास 4 फीट तक
कोई भी ना रहे, 4 फीट के बाद रहे, 4 फीट की दूरी तक वो अकेला रहे, और उसके बेड के नीचे सॉल्ट वाटर रखा हुआ हो, सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा कि अब जब वो सुन रहा होगा, हीलिंग करा रहा होगा उस एक घंटे के दौरान, क्लाइंट, जब आप हीलिंग करा रहे होंगे, मान लीजिए आप क्लाइंट हैं तो हीलिंग करा रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, आराम से रिलैक्स होकर लेट जाना है और जीभ को तालू में चिपका लेना है और लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और अफर्मेशन हेडफोन लगाकर सुनते रहना है ध्यान से और रिपीट करना है जो बोला गया है, वही आवाज़ जो सुनेंगे, जो बात सुनेंगे अपने लिए वो रिपीट करेंगे ताकि आपके लिए आसान रहेगा। और उसी टाइम पर हम हील कर रहे होंगे, जब एक घंटे पूरा हो जाए तब आप फिनिश कर दें, फिनिश करके एक्सपीरियंस हमें भेजेंगे रिकॉर्ड करके कि आज की हीलिंग से आपको कितना रिलैक्स मिला, कितना आप सुखी हुए, कितना स्वस्थ हुए, कितना लाइट फील कर रहे हैं, कितना पेनलेस हो गए आप, कितना आराम महसूस कर रहे हैं आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पे। इस तरह से आप क्लाइंट के रूप में हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। जितने भी हीलर्स हैं, हर हीलर इस मेथड को अप्लाई करें, चाहे वो फर्स्ट लेवल के हों, सेकंड लेवल के हों, थर्ड। लेकिन देखिए, जो फर्स्ट लेवल के होंगे वो तो डिस्टेंस हीलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एंजल थेरेपिस्ट होंगे बेसिक लेवल के, वो डिस्टेंस हीलिंग कर पाएंगे। तो वो इस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, डिस्टेंस में हीलिंग करें, और जो सेकंड लेवल से ऊपर के हीलर्स हैं वो इस तरह का डिस्टेंस में हीलिंग का सिस्टम फॉलो करें। और कहीं कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर है, 1 लैंडलाइन का नंबर है, तो 2 व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप नंबर ऐड करें, हाय हेलो भेजें, अपनी क्वेरी भेजें, यहाँ से आपको एक्सपर्ट हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप हीलिंग करेंगे तो आपको ढेर सारे फ़ायदे, क्विक फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।